राहुल जी की यात्रा पिट रही है, समर्थन नहीं मिल रहा है। राजस्थान में दो धड़े लड़ रहे हैं, कांग्रेस को संभाल नहीं पा रहे, और उनका ऐसा ट्वीट करना उनकी मानसिक दिशा को भी दिखाता है कि क्या वो सोच रहे हैं। वो शायद राजस्थान के बारे में भी सोच रहे होंगे, जहां एक कुर्सी के लिए कई लड़ रहे हैं, यानी कि एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। और ऐसी हालत कांग्रेस की होगी कि एक के बाद दूसरे राज्य में उनके नेता छोड़कर जा रहे हैं। भारत को तोड़ने की जो भी साजिश रचता है, कोई भी ऐसी आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं, उनके खिलाफ जो एजेंसियां अपनी कार्रवाई करते हैं, पूरे सबूत, पूरी इन्फॉर्मेशन सबके बाद वो काम किया जाता है। इस पर डिटेल्ड जानकारी तो एजेंसीज ही दे सकती हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, पूरा देश यहाँ एक और स्वागत करता है कि जो लोग देश के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, प्रोपोगंडा के अधीन काम करते हैं, देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो उसका जितना स्वागत किया जाए उतना कम है। सिर्फ प्रदेश के जिला हमीरपुर के सुजानपुर खंड अगर आप देखेंगे, एक नहीं तीन तीन धाम बनाने का काम, शिव धाम, कृष्ण धाम और अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम धाम। और ये प्रयास हुए हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से, हमारे स्थानीय जो BDO है निशान जी, स्थानीय पंचायत की प्रधान जी और सभी सदस्यों ने मिलकर ये एक जन भागीदारी के बाद ये सब संभव हो पाया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी तो बार बार कहते हैं जन भागीदारी से जन आंदोलन खड़ा करना चाहिए, और ये इस तरह से बदलाव जो एक आपको देखने को मिल रहा है, ये साफ तौर पर दिखता है कि जन भागीदारी से कुछ भी किया जा सकता है। शिव धाम, कृष्ण धाम और अब राम धाम बहुत खूबसूरत बनकर तैयार हुई हैं, आगे इनमें और खूबसूरती लाने का काम किया जाएगा। राहुल जी की यात्रा पिट रही है, समर्थन नहीं मिल रहा है। राजस्थान में दो धड़े लड़ रहे हैं, कांग्रेस को संभाल नहीं पा रहे, और उनका ऐसा ट्वीट करना उनकी मानसिक दिशा को भी दिखाता है कि क्या वो सोच रहे हैं। वो शायद राजस्थान के बारे में भी सोच रहे होंगे, जहां एक कुर्सी के लिए कई लड़ रहे हैं, यानी कि एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। और ऐसी हालत कांग्रेस की होगी कि एक के बाद दूसरे राज्य में उनके नेता छोड़कर जा रहे हैं। भारत को तोड़ने की जो भी साजिश रचता है, कोई भी ऐसी आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं, उनके खिलाफ जो एजेंसियां अपनी कार्रवाई करते हैं, पूरे सबूत, पूरी इन्फॉर्मेशन सबके बाद वो काम किया जाता है। इस पर डिटेल्ड जानकारी तो एजेंसीज ही दे सकती हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, पूरा देश यहाँ एक और स्वागत करता है कि जो लोग देश के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, प्रोपोगंडा के अधीन काम करते हैं, देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो उसका जितना स्वागत किया जाए उतना कम है। सिर्फ प्रदेश के जिला हमीरपुर के सुजानपुर खंड अगर आप देखेंगे, एक नहीं तीन तीन धाम बनाने का काम, शिव धाम, कृष्ण धाम और अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम धाम। और ये प्रयास हुए हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से, हमारे स्थानीय जो BDO है निशान जी, स्थानीय पंचायत की प्रधान जी और सभी सदस्यों ने मिलकर ये एक जन भागीदारी के बाद ये सब संभव हो पाया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी तो बार बार कहते हैं जन भागीदारी से जन आंदोलन खड़ा करना चाहिए, और ये इस तरह से बदलाव जो एक आपको देखने को मिल रहा है, ये साफ तौर पर दिखता है कि जन भागीदारी से कुछ भी किया जा सकता है। शिव धाम, कृष्ण धाम और अब राम धाम बहुत खूबसूरत बनकर तैयार हुई हैं, आगे इनमें और खूबसूरती लाने का काम किया जाएगा। गुरु समीर जी, तुहाडे शहर च पहली बार अद्भुत शक्ति चमत्कार देखो, देश विदेश बैठे सानू व्हाट्सएप ते भी कॉल कर सकते हैं, कर बैठे 11 मिनटां च 101% गारंटी नाल। वशीकरण अते मुठकरनी दे माहर, सब तो पहला काम करन दा वादा कहंदे नहीं करके दिखांदे आ। नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, बरकत औलाद कहने तो बाहर होना, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, गुप्त रोग, पुराना दर्द, पति पत्नी च अणबन, जादू टोना, मनमोहनी, वशीकरण करवाओ या तुड़वाओ, सोतन दुश्मन तो छुटकारा सदा ले, रुस्से नु मनाउणा प्यार मोहब्बत, संपर्क करो 9958635478।